Assalamu alaikum, Salman Bhatt again. Australia Pakistan test match, the first test match aur uska teesra din. Again, I think Pakistan ka jo main issue hai wo hamari batting hi hai, because obviously bowling mein issue zarur hai lekin hum unko itna zyada blame nahi kar sakte. You can't ask two youngsters jinhone ek domestic season bhi pura na khela ho ke wo Australia jaisi team unki conditions mein ja ke wo unko zyada problems de sakte hain. So pehle jin logon ne hype create ki ab wo blame kar rahe hain. I think the youngsters bowled really well. अगर आप शाहीन की बॉलिंग देखें काफ़ी इकोनॉमिकल थी. अगर आप नसीम शाह की देखें उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया विद हिज पेस विद हिज यू नो लाइंस एंड लेंथ. इतने यंगस्टर के लिए जिसका कोई फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस ना हो, फॉर दैट आई थिंक इनको उसका मार्जिन देना चाहिए एंड आई थिंक दे बोल्ड प्रीटी वेल अगर उसको हम अकाउंट मिले. हाँ, यासिर शाह जो हमारे टॉप बॉलर थे इस पूरे बॉलिंग अटैक में, वो चार आउट उन्होंने ज़रूर किए लेकिन 50 ओवर 200 रन से ज़्यादा उन्होंने रन दिए. आई थिंक कि अपनी जो उनकी क्लास है जो उनकी शान है उसके मुताबिक उनको 5 या 4 विकेट लेने चाहिए 70, 80 या 100 रन के अंदर, फिर पाकिस्तान टीम को उनका इम्पैक्ट आएगा मैच पे और पाकिस्तान टीम का फ़ायदा होगा अगर यासिर इंशाल्लाह इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं. आई गेस थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री अपनी हाई करनी पड़ेगी और थोड़ा सा बॉल जो है एयर में उसे टाइम देना पड़ेगा बहुत तेज़ बॉलिंग की, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को उनको मिल्क करने में आसानी हुई. सिंगल्स और 2 रन के लिए आराम से खेलते रहे, जब पूरी बॉल मिलती थी चौका भी लगता था. तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी थोड़ी सी. वेयर एज इमरान खान ही बॉल रीजनेबली वेल, बट आई थिंक कि वहाँ पर अब्बास को ही मैच खेलना चाहिए था. पहले भी मैंने वीडियो में कहा था आई थिंक कि अब्बास इज़ द मेन मैन, ही शुड बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन द टेस्ट मैचेस. 2 मैचों में अगर आपने सेम ओपोनेंट के 18 विकेट्स लिए हों तो उनकी बैटिंग पे पहले ही आपका प्रेशर होता है एंड बाय नॉट प्लेइंग योर मेन मैन आपने उनका वो प्रेशर रिलीज़ कर दिया. सो आई थिंक ये थोड़ी पाकिस्तान से गलती हुई. और बैटिंग अगेन देखें, पाकिस्तान की बारी आई तो ऑब्वियसली आप 2 दिन फील्डिंग, आपके ऊपर प्रेशर एज ए कैप्टन और आप ओपन भी कर रहे हैं, सो आई थिंक बहुत टू मच ऑन हिज प्लेट फॉर अज़हर अली. बड़ी अच्छी लाइंस पे स्टार्क ने उसे बॉलिंग की, ऑफ स्टंप की तरफ लेकर आए, एक कवर में चौका भी खाया आगे बॉल करके, 3-4 बॉल वहाँ से अज़हर ने बड़े अच्छे छोड़े. लेकिन जब बॉल थोड़ा सा अंदर आया फ्रॉम द स्टम्प्स की लाइन को, मतलब विद इन द स्टम्प्स से बॉल जब थोड़ा सा स्ट्रेटन रहा है और अपनी अवे मूवमेंट नहीं मिली तो अज़हर के पास बिल्कुल लगा मौका ही नहीं था कि वो उसको खेल सकते. सो ही वॉज यू नो कॉट नैपिंग. और अज़हर को थोड़ा ये इशू रहा है रिसेंट हिस्ट्री अगर कुछ 1-2 साल की देखें LBWs का, सो आई थिंक ही नीड्स के उसको ज़रा प्रैक्टिस में उस पर ज़रा तवज्जो दें क्योंकि अज़हर के रन्स करने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बींग द कैप्टन बींग द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ द टीम. शान आई होप ही किक्स ऑन, बहुत अरसा हो गया उसको कोई बड़ी इनिंग खेले. वो अच्छी 20s, 30s, 50s ओकेजन्स पे कर रहे हैं बट ही नीड्स टू किक ऑन. देर इज़ बिन क्वाइट सम टाइम सिंस वो पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहे हैं, 4-5 साल हो गए हैं, इज़ बीन अ रेगुलर फीचर. तो आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप अप एंड स्कोर अ बिग 100. उनके साथ बाबर आजम है, सारी दुनिया उनको बेहतरीन प्लेयर मानती है, उन्होंने प्रूव भी किया, बट टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर वो बड़े रन करते हैं उनका नाम और ज़्यादा बड़ा होगा और एक अथॉरिटी स्टैंप होगी, बिकॉज ये वो फॉर्मेट है जो सारे फॉर्मेट्स को सुपर सीड करता है और बेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का. और यहाँ से जो रिकग्निशन मिलती है वो किसी भी और फॉर्मेट से नहीं मिलती. सो आई थिंक दोनों के लिए बेहतरीन मौका है. आज अच्छी बैटिंग की बाबर ने, बाहर वाले बॉल को चेज नहीं किया, वो शॉट रिपीट नहीं किया जिसपे वो पहले इनिंग्स में आउट हुए थे, तो ही लुक्स स्विच ऑन और ये दोनों अच्छा खेल रहे हैं. वेयर एज हारिस सोहेल की अगर हम बात करें, अगेन वो बैकफुट का पंच खेल रहे थे शॉट और जब खेल रहे थे तो फ्रंट फुट के ऊपर आए हुए थे. सो यू कॉन्ट डू दैट. आपने अपने आप को टाइम देना है ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस विद बॉलर्स बॉलिंग अराउंड 140 प्लस क्लिक, तो यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम. और अगर आप ऑन दी आप पुशेस मारेंगे तो वो तो नहीं लगती हैं ऐसी कंडीशंस में. सो आई थिंक ही नीड्स टू एडजस्ट हिज शॉट सिलेक्शन एंड हिज स्पीड मूवमेंट्स नीड टू बी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. बड़ा मुझे अजीब लगा जब साइड ऑन रीप्ले दिखाया कि हारिस सोहेल मार तो बैकफुट का पंच रहे थे लेकिन अगली टांग पर गए हुए थे, फॉरवर्ड प्रेस के ऊपर ही खड़े खड़े खेल गए, पीछे नहीं आए, बॉल की लाइन में नहीं आए. तो आई थिंक इस तरह सिमिलर डिसमिसल जब आपकी होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा लो चला जाएगा. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें 5वें नंबर पे खिलाया जाए. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया एज वेल बिकॉज वहाँ पे टाइम मिलेगा, बॉल थोड़ा पुराना हो जाएगा और इफ्तिखार जो कि 5-6वें पे खेल रहे हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अरसा ओपनिंग करते रहे हैं और उनको बैकफुट पर बहुत अच्छे शॉट्स हैं उनके पास, तो पाकिस्तान उन्हें यूज़ कर सकता है अप इन द ऑर्डर और 1 डाउन की पोजिशन पर उन्हें ला सकता है और थोड़ा सा क्वेश्चन ले सकता है अगर हारिस को खिलाना ज़रूरी है. Whereas for my liking, I think
कि अजहर अली को नंबर 3 आना चाहिए और इमाम या आबिद अली में से एक स्पेशलिस्ट ओपनर को अंदर ला के दो स्पेशलिस्ट ओपनर्स के साथ खेलें। इट्स अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट और ओपनिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी को भी करवा लें। इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशलाइज जॉब, बहुत जिम्मेदारी होती है। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो बाकियों के लिए आसानी कर देते हैं, और अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आज देखें ऐसे शफीक जब नए बॉल के सामने आए, अच्छा बॉल हुआ, वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे। तो अपने मिडिल ऑर्डर को आपने एक्सपोज नहीं होने देना उसके सामने। तो आई थिंक उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टॉप ऑर्डर में स्पेशलिस्ट हों और वो थोड़ा बैटिंग इस तरह की करें कि नीचे वालों के लिए आसानी हो, और जब खुद भी सेट हो जाए तो लंबी इनिंग्स खेलें।